हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास मदान है। इस वीडियो में हम सीखेंगे हम पैकेट ट्रेसर में लैब कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें पैकेट ट्रेसर में, अगर मान लो सिंपल सी लैब बनानी है जिसमें हम चाहते हैं स्विच भी यूज़ हो, राउटर भी और कंप्यूटर भी, तो इसकी कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ये एरिया देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये राउटर की शेप्स हैं। जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर डिफरेंट शेप्स के राउटर आ जाएंगे, यानी डिफरेंट मोड के 1841 सीरीज़, 2620, 2621। तो आपको जो भी प्रैक्टिकल के लिए राउटर चाहिए आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप दोबारा से क्लिक कर दो, या फिर अगर आपको लगा ये नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट करना चाहते हो, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और इसको डिलीट कर दें। और इसके अलावा हम इसको यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं, यानी आप माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करे रखो और यहाँ पे ले आए। अगर स्विच चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्विच के अलग अलग मॉडल आ जाएंगे। नॉर्मली CCNA के लिए हम 2950 सीरीज़ का स्विच यूज़ करते हैं और 2620 XM राउटर जो यूज़ करते हैं CCNA में पेट्रोल के लिए। तो अब स्विच चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर मान लो डिलीट करना है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप। कंप्यूटर चाहिए तो हमारे पास यहाँ कंप्यूटर का कनेक्शन बना हुआ है, ये देखिए। अब यहाँ पर जैसे ही आप कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे तो ये कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, सर्वर आ गया, जो आपको रिक्वायरमेंट है और भी डिवाइसेस हैं, ये आपके अलग अलग प्रैक्टिकल्स में काम आती हैं। नॉर्मली हमें कंप्यूटर चाहिए होता है या सर्वर चाहिए होता है, तो हम कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे। अगर लैपटॉप चाहिए यहाँ पे क्लिक करें और इसको दोबारा यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और इसके बाद हमने डिवाइस तो अटैच कर दी लेकिन हमारे पास कनेक्शन नहीं है। तो कनेक्शन करने के लिए हमें केबल चाहिए, और केबल के लिए हमारे पास अगर देखें तो ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये केबल के लिए, कनेक्शन के लिए है ये। और यहाँ पर अगर आप यहाँ स्टार्टिंग से देखें ये ऑटोमेटिक केबल सिलेक्ट कर लेगा, ये कंसोल केबल है, ये स्टेट केबल है और ये क्रॉस केबल, यह नीचे से आप देख भी सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप की केबल्स डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिकल्स में काम आएगी। अभी आप आगे आगे देखेंगे हम कौन से प्रैक्टिकल में कैसे कैसे केबल यूज़ करते हैं। तो जैसे आपको मालूम होगा, अगर आप चाहते हो कि स्विच के साथ केबल अटैच करना, तो स्विच के साथ जो केबल अटैच होती है कंप्यूटर की, वो होती है UTP स्टेट केबल। तो यहाँ पे स्टेट केबल पर क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, ये आपको पोर्ट सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से हमने यहाँ से फास्ट इथरनेट पोर्ट सिलेक्ट करना है लैन कार्ड के लिए, क्योंकि कंप्यूटर पर यही पोर्ट होता है। और इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके स्विच पे कनेक्ट करेंगे। नॉर्मली आप किसी भी पोर्ट पे लगा सकते हो, लेकिन अगर आप प्रॉपर वे में वर्क करना चाहते हैं तो पोर्ट 1 पे लगा लीजिए। दोबारा आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर मान लो आप चाहते हो कंटिन्यू आपके पास ही रहे कनेक्टिविटी के लिए, आपको बार बार ऐसे ना आना पड़े, तो एक तरीका है, जैसे मैं अगर यहाँ पे कंप्यूटर पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए, पहले आप कंट्रोल की प्रेस कीजिए और फिर माउस का क्लिक, और यहाँ पे देखिए 1 2 मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, मेरे पास अपने आप ये कंप्यूटर से अटैच हो रहे हैं। ऐसे ही अगर मुझे केबल अटैच करनी है तो हम यहाँ पर पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, और जौन सी केबल चाहिए हमें, जैसे अभी स्विच के लिए चाहिए स्टेट केबल, और स्टेट केबल ये रही, तो आप पहले कंट्रोल की प्रेस कीजिए और यहाँ से की को, ये केबल को क्लिक करेंगे। तो इसके लिए बार बार आपको केबल आके सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। आप देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे फास्ट इथरनेट, अब मुझे बार बार यहाँ पे केबल सेलेक्ट नहीं करनी पड़ रही, एक ही बार मैंने सेलेक्ट कर ली कंट्रोल की प्रेस करके।
अगर आप हटाना चाहते हो तो आप ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपको लगता है ये डिवाइस फालतू आ रही है, एक्स्ट्रा है, तो आप इसको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हो राउटर से कनेक्टिविटी, तो राउटर के लिए भी स्टेट केबल यूज़ होती है। अभी आप देखिए राउटर के ऊपर जो है फास्ट इथरनेट पोर्ट ओपन हो रहा है, शो हो रहा है, लेकिन वैन इंटरफेस नहीं है। तो वैन इंटरफेस के लिए हमें यहाँ पर एक और पोर्ट ऐड करना होगा। इसके लिए हम राउटर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसको जूम इन कीजिए, और आपको यहाँ से WIC 1T यानी वैन इंटरफेस कार्ड, 1T मतलब आपके पास एक कनेक्टर आएगा वैन इंटरफेस का। आप यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन अभी ये यहाँ पर अटैच नहीं होगा क्योंकि हमारा राउटर जो है ऑन है। ये देखिए ये मैसेज आ गया, कैन नॉट ऐड ए मॉड्यूल व्हेन द पावर इज ऑन। हम यहाँ पर इसको ओके कर देंगे और यहाँ से हम इसको पावर को ऑफ करेंगे। मैंने क्लिक से इसको ऑफ कर दिया और यहाँ से हम इसको ड्रैग करके यहाँ पे अटैच करेंगे। अगर एक और अटैच करना है तो हम यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर मुझे ऑन करना है तो हम यहाँ से इसको राउटर को ऑन कर देंगे। आप देखिए राउटर बिल्कुल वैसे ही ऑन होता हुआ दिखेगा जैसे फिजिकल राउटर ऑन होता है। अब हमारे पास वैन इंटरफेस अटैच हो चुका है, और अगर हम यहाँ पे बाहर देखें तो देखिए सीरियल इंटरफेस सीरियल 0 सीरियल 1 दिखा रहा है। ये पहले पोर्ट की सबसे आप देखें लेफ्ट में पोर्ट है, फिर फास्ट इंटरनेट पोर्ट है, फिर सीरियल के दो पोर्ट है, सीरियल 0 0 और सीरियल 0 1। तो इस प्रकार से हम अटैच कर सकते हैं। इस लैब में हमने सीखा हम स्विच को कैसे कनेक्ट करते हैं राउटर के साथ, और अगर आप इसके अंदर कुछ और ऐड करना चाहते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ ऑप्शन बनी हुई है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे राउटर की इंफॉर्मेशन लिखनी है, और इसके मान लो या फिर और अगर आप कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आईपी एड्रेस दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको याद नहीं रहता, आप जस्ट मेंशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे 192.168.10.0 तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसको आप ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकते हैं। इस वीडियो में हम पैकेट ट्रेसर में बेसिक लैब बनाना सीखेंगे। जैसे अगर हम चाहते हैं एक सेटअप जिसमें हमारा राउटर हो, कंसोल केबल हो और कंप्यूटर हो, तो आइए देखें हम कैसे अटैच करेंगे। सबसे पहले हम राउटर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हमने राउटर का 26-20 मॉडल ले लिया है यहाँ पर, और उसके बाद मुझे कंप्यूटर चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लूँगा। और इसके अलावा कंप्यूटर को जब हम कनेक्ट करते हैं राउटर से फर्स्ट टाइम, तो एक केबल आती है जिसको हम बोलते हैं कंसोल केबल, और उस कंसोल केबल को हम जब कनेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर में जो पोर्ट होता है वो कॉम पोर्ट होता है 9 पिन का, और उसको हम RS-232 भी बोलते हैं, और राउटर पर जो पोर्ट होता है कंसोल पोर्ट, वहाँ पर लिखा होता है कंसोल पोर्ट, वो RJ-45 टाइप का बना होता है, जैसे आप देख रहे हैं इस शेप में RJ-45 पोर्ट जैसा, लेकिन उसके ऊपर कंसोल लिखा होता है, तो आप उसी केबल से ही कनेक्ट कर सकते हैं। और केबल का कलर लगभग इसी टाइप का होता है, या फिर आपको जनरली ब्लैक मिल सकता है, कलर इतना मैटर नहीं करता, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि राउटर के कंसोल पोर्ट पे लगाना है आपको, और वो आपको RJ-45 पोर्ट जैसे दिखेगा और उसके ऊपर कंसोल लिखा होता है।
और सिस्टम में देखें हम तो सिस्टम में कॉम्पोर्ट इस टाइप का होता है, RS-232। यह देखिए कंसोल केबल है और कंसोल केबल के अंदर जो पोर्ट है ये जो पोर्ट लगेगा कंप्यूटर पे लगेगा, और जो आप RJ45 कनेक्टर देख रहे हो ये लगेगा हमारे राउटर पर। यह देखिए ये कंसोल पोर्ट है, RJ45 जैसा दिख रहा है बिल्कुल, एक्चुअल में RJ45 कनेक्टर ही है, और ये देखिए कंसोल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये वाला कनेक्शन लगेगा राउटर की साइड पे, और जब ये देख रहे हैं कनेक्शन ये लगेगा कॉम पोर्ट पे। यह देखिए ये 9 पिन का जो है कॉम पोर्ट है। तो अगर हम यहाँ पर देखें इसको हमने RS-232 से कनेक्ट कर दिया, और हमने राउटर पर इसको कंसोल पोर्ट से, अगर इसको हम ओपन करना चाहते हैं तो रियल लाइफ में हम एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम बोलते हैं हाइपर टर्मिनल, उसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं राउटर को डेस्कटॉप। और यहाँ पर हम जो एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम यूज करते हैं टर्मिनल, इसको हम ओके कर देंगे, और आप देखिए बिल्कुल वैसा ही पोर्ट आ गया जो राउटर में अवेलेबल है। तो आप यहाँ से भी राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे हम दो डिफरेंट नेटवर्क के लिए लैब कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें दो राउटर चाहिए, हम राउटर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारे रिक्वायरमेंट है, और इसके लिए दो स्विच चाहिए क्योंकि दो नेटवर्क बना रहे हैं हम। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और मान लीजिए हमें दो कंप्यूटर चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके आप इस कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे तो आप कंटिन्यू यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे और आपके कंप्यूटर ऐड होते जाएंगे। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे अगर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये एक और कंप्यूटर आ जाएगा, और मैं इस सिंबल को हटाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, और डिलीट करना है तो हम इसको डिलीट कर देंगे। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर दो राउटर के लिए लैब बनानी है। मेरे पास डिवाइस तो आ चुकी है लेकिन अभी हमारे पास कनेक्शन के लिए केबल नहीं है। तो आप यहाँ पे सिंबल देख रहे हैं ये कनेक्शन के लिए है, और आपको आइडिया होगा स्विच के साथ जब हम कंप्यूटर को अटैच करते हैं या राउटर को अटैच करते हैं तो स्टेट केबल यूज करते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर आप चाहते अभी मुझे दोबारा से यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे बार बार सिलेक्ट करने के लिए केबल सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक ना करना पड़े, तो मैं कंट्रोल की प्रेस करके इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा, सिलेक्ट करूँगा और कंटिन्यू मैं अब इसको अटैच कर सकता हूँ। वैसे तो आप किसी भी पोर्ट पर एक केबल लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं प्रॉपर वे में तो हम इसको सीरियल वाइज लगाएंगे, ये वन के साथ अटैच हो जाएगा। मैं यहाँ पर क्लिक करता जा रहा हूँ, इधर क्लिक किया और इधर से इसको क्लिक किया और यहाँ से इसको क्लिक किया। ये भी ऑरेंज कलर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि स्विच को अगर हम फिजिकल स्विच को जब हम ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में वो जब तक प्रॉपर ऑन नहीं हो जाता तब तक ये ऑरेंज रहता है, और जब पूरा स्टार्ट हो जाता है बूट हो जाता है स्विच तो ये ग्रीन कलर आ जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर है क्योंकि अभी ये कन्फिगर नहीं हुआ, और इसके लिए मुझे अभी राउटर के अंदर कमांड चलानी होगी तो इसमें कन्फिगर कर सकते हैं इसको, और तब ये ग्रीन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब मुझे इन दो राउटर्स के बीच में कनेक्शन करना है। इसमें जो ये एक नेटवर्क आप देख रहे हो और एक ये नेटवर्क हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो केबल आएगी हम यहाँ से केबल सिलेक्ट करेंगे सीरियल डीसी और डीटी। रियल लाइफ में हमारे पास दो अलग अलग लोकेशन होती हैं, और हमारे बीच में दो नेटवर्क के बीच में
सर्विस प्रोवाइडर अटैच होता है, सर्विस प्रोवाइडर कनेक्ट होता है। तो लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट केबल ले जाएंगे वैन पोर्ट के लिए, लेकिन अभी इसमें देखें तो वैन पोर्ट अटैच नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे राउटर पर क्लिक करना होगा और यहाँ से हम WIC 1T यानी वैन इंटरफेस कार्ड 1T को सिलेक्ट करेंगे और इसमें यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके लिए पहले पावर को यहाँ पर ऑफ करेंगे और यहाँ से इसको ड्रैग करके हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इस तरह हम यहाँ से भी करेंगे। कई बार ये एरर देता है, यहाँ पर कनेक्ट नहीं होता, तो हम यहाँ पर इसको जूम इन करके यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम कनेक्शन करेंगे सीरियल जीरो। तो ये हमारा बेसिक कनेक्शन बन चुका है। और इसके बाद अगर हम इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इसके अंदर आईपी एड्रेस सीरीज कैसे डालते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था हम पैकेट ट्रेसर के अंदर दो नेटवर्क के लिए लैब कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन अभी तक हमने इसमें आईपी एड्रेस नहीं डाला था। और अगर आप देखें जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जस्ट एलईडी शो कर रहा है स्विच की और कंप्यूटर की, इसका मतलब ये है कनेक्टिविटी बनी हुई है यहाँ पर। और जो आप रेड कलर देख रहे हैं इसका मतलब ये अभी कन्फिगर नहीं है। इसका रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि राउटर में जो पोर्ट्स होता है, जो पोर्ट्स होते हैं, यहाँ पर इथरनेट पोर्ट है और यहाँ पर इथरनेट पोर्ट है, ये बाय डिफॉल्ट शट डाउन होते हैं, डिसेबल होते हैं। तो जब हम इनको इनेबल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये ग्रीन हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, राउटर को हम सबसे पहले क्लिक करेंगे इसके कंसोल में जाके CLI मोड में, नो इनेबल COMT। अगर मुझे इथरनेट पोर्ट का एड्रेस डालना है, आप यहाँ पर देखें तो ये दिखा रहा है FA00। FA0 मतलब फास्ट इथरनेट, 0/0 मतलब जीरो नंबर स्लॉट है और जीरो नंबर पोर्ट है। यहाँ पे काउंटिंग हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, यानी पहला नंबर स्लॉट हो गया और पहला नंबर पोर्ट हो गया। और इसको हम ऑन करेंगे तो INT FA 0/0 नो शट जो कमांड है वो इसलिए यूज होती है ताकि हम इसको इनेबल कर सकें। अब अगर देखें मैं जैसे ही इसको यहाँ पे नो शट करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये ग्रीन हो जाएगी। यह देखिए, इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ सीरियल पोर्ट को एक्सेस करना और यहाँ पर देखें सीरियल पोर्ट दिखाएगा ये S0/0। ऐसी मतलब सीरियल और जीरो मतलब मैंने बताया आपको, जीरो मतलब पहला स्लॉट और ये जीरो मतलब पोर्ट नंबर 1। और ये जो क्लॉक आप देख रहे हैं ये सिंबल दिखाता है DCI का। रियल लाइफ में जब राउटर को कनेक्टिविटी मिलती है वो DTE कनेक्शन होता है और हमें वो जो राउटर पर कनेक्शन आता है वैन कनेक्शन वो ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू मिलता है। तो DCI कनेक्शन जो होता है वो यानी डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जो DCI डिवाइस है वहाँ से क्लॉक जनरेट होती है और हमारे कंपनी एंड पे जो राउटर लगता है उसको हम DTE एंड बोलते हैं, डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक्सेस करने के लिए, इसको इनेबल करने के लिए मैं एक कमांड चलाऊंगा INT S0/0 और यहाँ पे नो शट। अभी डाउन दिखा रहा है क्योंकि जो अभी हमने यहाँ पर तो ऑन कर दिया,
लेकिन ये अभी जो दूसरा अंडा है ये डाउन है। तो अगर आप देखें यहाँ पे पोर्ट के नीचे फास्ट इथरनेट कनेक्शन दिखा रहा है और सीरियल 00, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे CLI, यहाँ पे नो कर देंगे, इनेबल कॉन्टी INT S0/0 नो शट। तो जैसे हम नो शट यहाँ पर करेंगे आप देखिए ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। मैं एंटर जैसे ही करूँगा ये देखिए ये ग्रीन हो गया। अभी इस वक्त एक और कनेक्शन डाउन है, ये फास्ट इथरनेट पोर्ट है। अगर आप इसके अंदर इसको आप चाहते हैं पोर्ट दिखाई दे तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है प्रेफरेंसेस में, ऑलवेज शो पोर्ट पर आप क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पर सब जगह पोर्ट्स इनेबल दिखेंगे आपको। आप देखिए जो रेड कलर आप देख रहे हैं इसका मतलब ये अभी पोर्ट डिसेबल है फास्ट इथरनेट। अगर आप ये पोर्ट्स हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑप्शन में जाके प्रेफरेंसेस में इसको यहाँ से क्लिक हटा दीजिए। और ये लेबल हटाना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ से ये भी हटा सकते हैं। मैं बता रहा था आपको जो ये वाला पोर्ट है ये अभी डाउन दिखा रहा है क्योंकि इसका फास्ट इथरनेट पोर्ट अभी डाउन है। तो इसके लिए जो कमांड है यहाँ पर INT FA 0/0 और नो शट। मैं अभी एंटर नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे देखेंगे यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर इसको एंटर करूँगा आप देखिए ये ग्रीन हो जाएगा। मैं अभी यहाँ पर एंटर करता हूँ यह देखिए ये ग्रीन हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा हम जो पोर्ट्स हैं उनको इनेबल कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे हम पैकेट ट्रेसर में अपनी लैब को या फिर अपने प्रोजेक्ट को कैसे सेव कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको फाइल में जाना होगा और वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं या फिर सेव एज भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो सेव ऑप्शन है वो है यूजर्स में, आपका यूज़र नेम होगा, मेरे केस में OSR यूज़र नेम है और उसमें सिस्को पैकेट ट्रेसर ये वर्जन है इसका, उसमें सेव और ये मेरा फाइल नेम है। तो अगर आप फाइल सेव करना चाहते हैं आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पर भी सेव कर सकते हैं और पेन ड्राइव में सेव करना हो तो आप सेव एज करके पेन ड्राइव का पाथ दे सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे हम पैकेट ट्रेसर में कलरफुल लैब कैसे बना सकते हैं। टेक्निकली अगर देखें तो कलरफुल लैब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप किसी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो या अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई प्रैक्टिकल बना रहे हो तो उसके लिए आप कलरफुल लैब में ज़्यादा अच्छी तरह डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना होगा और आपके पास दो ऑप्शन है नो फिल और फिल कलर। तो फिल कलर में अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक कलर्स दिए हुए हैं और आप यहाँ से कस्टमाइज कलर भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये कलर चाहिए ब्लू कलर, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ओके कर दूँगा। और आपको किस शेप में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, सॉरी रेक्टेंगल में चाहिए या सर्कल में चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले अगर मैं रेक्टेंगल में लेना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा और यह देखिए आपको सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट करके माउस का क्लिक करके आपको ऐसे प्रेस करना है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसको डिलीट करना चाहते हैं यह देखिए। और अगर आपको और शेप चाहिए आउल शेप में सिलेक्ट करके आप यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं।
ये देखिए। और अगर कोई और कलर चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप राउंड में भी शेप बना सकते हैं इसकी। और अगर आपको कलर नहीं चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको कलर नहीं चाहिए, तो आप नो फिल कलर करके इसको यहाँ पे ऐसे लाइन की ऐसे आप सर्कल बना सकते हैं। और आपको लाइन चाहिए तो आप इसे डायरेक्ट लाइन भी खींच सकते हैं। तो ये एडवांटेज है कलर करने का कि आप अच्छी तरह डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। इसमें हमने अपनी लैब को कलरफुल बनाना सीखा।